रुक करते हैं नेशनल मीडिया सेंटर का, जहां पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू इस वक्त 500 शहरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छ सर्वेक्षण कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट, वी हैव कलेक्टेड 7 प्रॉब्लम्स इन वन ईयर। मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन हैज रिसीव्ड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम Honorable Chief Minister of Karnataka, as it is his hometown, and also from Urban Development Department, Government of Karnataka. Wholehearted support is also received from District Administration. My sincere thanks to the present District Collector, Srimati Shikha, who is with us for the last 3 years, and for her able guidance and involvement. Now, the District Collector will present about the future plans. Thank you. Good morning, sir. Mysore is an important tourist destination, so we realize that along with the residents, the tourists also need to be provided with the clean amenities. We have come up with an initiative which is a public-driven initiative. We have joined hands with Confederation of Indian Industries, who have come forth to sponsor, construct, build and maintain toilets at public places and important tourist destinations. We are trying to create a brand here, sir. One of such toilets is already constructed in Chamundi Hills. It's having world class facilities, and we are trying to create a brand here. And along with this, sir, we are looking at the growth at the Mysore city. Looking at the population growth, we have also reserved one mining area which is no more in use. It's around 35 to 40 acres of land having pits. These pits are being used as landfill sites once the existing facility at Mysore city is exhausted. We realize the kind of responsibility we are vested with. We have already geared up along with Mysore City Corporation and most importantly the people of Mysore, and geared up to retain this award for third time in the row. Thank you very much. Thank you, ma'am. पिछली रैंकिंग में हालांकि धनबाद शहर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर पिछले 6 महीनों में धनबाद ने काफ़ी प्रशंसनीय स्तर पर प्रगति की है। धनबाद ने पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या किया और आगे 6 महीनों के लिए उनके क्या प्लान्स हैं, ये जानने के लिए हम आपको सीधे धनबाद ले चलते हैं, जहां से उनके प्रतिनिधि हमें संबोधित करेंगे। धनबाद सिटी। हाँ, यस, परमादरणीय वेंकैया नायडू जी, हम 5 स्थानीय शहरी निकायों को मिलाकर 2006 में धनबाद नगर निगम का गठन किया गया था। मैं यहाँ का दूसरा मेयर हूँ, और 1 साल पहले जब मैं इलेक्ट होकर यहाँ आया था तो सिर्फ धनबाद नगर निगम 6 अधिकारियों के बदौलत चल रहा था। इस स्ट्रेंथ को हम लोग ने स्ट्रेंथन किया है, और एक सशक्त टीम बनाकर हम लोग इस लाइन में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। धनबाद नगर निगम में इवन एक भी डस्टबिन तक नहीं था, हम लोग 200 डस्टबिन लगाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के DPR बना के कैबिनेट अप्रूवल लेकर के हम लोग टेंडर कर चुके हैं। एक पार्ट का, दूसरे पार्ट का टेंडर इस माह में हो जाएगा, और इसे हम लोग अगले 6 महीने में इम्प्लीमेंट कर देंगे। 70,000 इंडिविजुअल टॉयलेट्स का हमें लक्ष्य दिया गया है, 17,000 पे काम चालू हो गया है, और 45,000 का फॉर्म्स जनरेट करके, और इस सेक्टर को भी हम लोग 17 तक धनबाद को ODF डिक्लेयर करेंगे। डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग ने 14 वार्ड में कंप्लीट शुरू किया है, उसे स्ट्रेंथन हम लोग 1-1.5 महीने में कर लेंगे, और बाकी के 41 वार्ड में हम लोग दिसंबर तक डोर टू डोर कलेक्शन चालू कर लेंगे। स्वच्छता जागरूकता के लिए 1.5 लाख स्क्वायर फीट पे वॉल पेंटिंग्स और स्वच्छता एजुकेशन के लिए होर्डिंग्स, नुक्कड़ नाटक, ये सारे काम किए जा रहे हैं। और धनबाद नगर निगम में जो सफाई सेवक हैं, इनकी संख्या भी हम लोग 700 से बढ़ाकर 1500 किए हैं। इन तमाम बातों के बाद धनबाद नगर निगम बिल्कुल कोल माइनिंग एरिया को कवर करता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 90% कोलियरी धनबाद नगर निगम के अंदर आती है, और ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो 8,000 ट्रकें डेली धनबाद नगर निगम में इंटर करती हैं, 26,000 टन इनका कोयला रोड से उठा होता है, और 95,000 टन कोल का डेली का इनका प्रोडक्शन है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमें कुछ अनुभवी लोग आपके तरफ से चाहिए, जो हमें इसे स्वच्छ बनाने में टेक्निकल मदद करें, और
आपके तरफ से हमें पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि धनबाद की जो रैंकिंग हुई है, हम सभी धनबादवासी आपकी तरफ एक अच्छी एक निगाह लेकर के लगे हुए हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, बट आपके तरफ से भी हमें एक इस तरह का जो आपने आज हम लोगों के का खबर लिया है, ये रियली काबिले तारीफ है, और हम सभी धनबादवासी आपके आगे इस इनिशिएटिव के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आंजनेयलु सर फ्रॉम धनबाद सर। सर इन माई डिस्ट्रिक्ट सर वी आर अंडर द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सर, वी आर गेटिंग द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट सर। आउट ऑफ दैट वील बी गेटिंग नियरली 345 crore सर, एंड वी हैव डिसाइडेड टू डेडिकेट मोस्ट ऑफ दैट अमाउंट टू द धनबाद नगर निगम सर, एंड फॉर दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन सर, एंड द मेजर प्रोजेक्ट्स दे आर गोइंग टू टेक अप सर, एंड वी आर एंश्योरिंग द फंड स्मूथ फंड फ्लो टू द धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ रमेश धनबाद म्युनिसिपल कमिश्नर। जैसे मेयर साहब ने बताया है सर, लास्ट स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें ODF वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग, डोर टू डोर कलेक्शन और टॉयलेट फैसिलिटीज के जो एरियाज थे उसमें काफ़ी कम स्कोर था धनबाद का, जिसके लिए हम पूरा स्ट्रैटेजी बना के काम कर रहे हैं। उसमें पब्लिक अवेयरनेस पार्टिसिपेशन को भी हम इंश्योर करा रहे हैं, और इसमें हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट की तरफ से पूरा सहयोग है। हम विश्वास दिलाते हैं कि जो नेक्स्ट सर्वे होगा उसमें धनबाद एक अच्छे रैंक के साथ आगे आएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आज शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तैयार की गई 3 किताबों का अनावरण किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी और डायस पर प्रेजेंट अन्य डिग्निटरीज से अनुरोध करूंगी कि वे सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण गाइड बुक का विमोचन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट कर रही सभी 500 सिटीज को 112 प्रश्नों के उत्तर के बेसिस पर रैंक किया जाएगा। इन्हीं 112 प्रश्नों को दर्शाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण गाइड बुक बनाई है। अब मैं माननीय मंत्री जी और मंच पर बैठे सभी डिग्निटरीज से आइडिया बुक लॉन्च करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। द आइडिया बुक एम्स टू एजुकेट द कॉमन मैन ऑन द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्वच्छ भारत मिशन। I now request Honorable Minister and other dignitaries on stage to launch the Municipal Solid Waste Manual. I request Mr. Hanik, Country Director GIZ, to please join them on stage. इस मैनुअल के माध्यम से हम सभी शहरों को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के सेफ एंड सैनिटरी डिस्पोजल के अलग अलग प्रोसेसेस बताना चाहते हैं। इसे शहरी विकास मंत्रालय ने GIZ के साथ मिलकर तैयार किया है। धन्यवाद सर। स्वच्छ सर्वेक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी शहर की कमी बताना नहीं, बल्कि हमें हमारे शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ये क्लैरिटी दिलाना है। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक सेल्फ असेसमेंट टूल तैयार किया है। मैं फिर से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर सेल्फ असेसमेंट टूल को लॉन्च करें। वेलकम टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2017। इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 वी आर कमिटेड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी
As a first step, we are providing a questionnaire in the form of an online portal. This is a self-assessment portal. A portal where you can go and check your current sanitation status. This is how it works. Choose your preferred language. If you were part of Swachh Sarvekshan 2016, please select your ULB. Otherwise, directly click on Proceed. Upon entering the survey, the portal will take you to the actual questionnaire. After answering all the questions, you will get the parameter-wise score of your city. From today onwards, you can identify your focus areas and improve upon them. We wish you all the best for Swachh Sarvekshan 2017. इसके साथ ही शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है. आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्लीज लॉन्च दिस शॉर्ट फिल्म बाय रिमोट. उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. एक सर्वेक्षण, 500 शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, शहरों की रैंकिंग होगी. आधार होगा स्वच्छता. सर्वेक्षण में कुछ सवाल. आपका शहर कितना साफ है? क्या हर रोज कचरा इकट्ठा होता है? कचरे का निपटारा कैसे होता है? क्या हर घर में शौचालय है? शहर में जन सुविधाएं हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से. क्या आप तैयार हैं? सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े. क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्युनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाएगी. याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए. 20% नंबर होंगे इस बात के कि आपके घर से जो कचरा इकट्ठा होता है उसका निपटान कैसे होता है. बहुत से शहरों में गीले कचरे से बनती है खाद और सूखे कचरे से बिजली. आपकी म्युनिसिपैलिटी क्या करती है? अपने शहर की सफाई का जिम्मा आपका भी है. कचरे के निपटान से जुड़े 20% नंबर आपके शहर को मिलने ही चाहिए. क्या आपके शहर में लोग खुले में शौच जाते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ,